जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ और ये हमने ट्विटर बोट बनाया है। सिलीनियम की लाइब्रेरी यूज़ की है हमने, सिलीनियम की लाइब्रेरी यूज़ की है और गूगल क्रोम का वेब ड्राइवर यूज़ किया है। तो आए इसको रन करके देखते हैं, ये ट्विटर बोट करेगा क्या, ये हमारे भी आपके ऊपर ट्वीट्स करेगा। ठीक है, इसको जो भी कंटेंट दे देंगे तो अब ये क्या करेगा, ये ट्विटर के मेन लॉगिन पेज के ऊपर आएगा सबसे पहले, और यहाँ पे आकर ये अभी पेज पहला लोड हो रहा है, यहाँ पे आकर ये यहाँ पे मेरी मेल प्रोवाइड करेगा, इसको मैं हाइड कर दूंगा अपनी मेल को। उसके बाद ये नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेगा। कोड जो है थोड़ा सा मैंने इसमें डिले दिया क्योंकि नेट की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। अभी अगली विंडो आ गई, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे अब बोट जो है वो मेरा फ़ोन नंबर ऐड कर देगा और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेगा। ठीक है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, कोड समटाइम क्रैश हो जाता है अगर ये पेज प्रॉपर लोड ना हुए हो। तो नेक्स्ट जो लास्ट पेज है इसके ऊपर मेरा पासवर्ड जो है वो ऐड करेगा बोट, इसको भी मैं हाइड कर दूंगा। तो पासवर्ड ऐड करके उसने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, तो अब ये बोट जो है वो ट्विटर में लॉगिन हो गया है। तो अब थोड़े से वेट के बाद ये मैंने पीछे इसको ट्वीट दी हुई है, ये उसको ट्वीट का जो मटेरियल है वो मैंने पीछे कोड में प्रोवाइड किया, तो वो यहाँ पे पेस्ट करेगा और ट्वीट के बटन को क्लिक कर देगा। तो थोड़ी देर में ये सारा कुछ जो है वो मैंने इसमें कंटेंट दे दिया है, और अब ये थोड़ी सी देर बाद ट्वीट के बटन को प्रेस कर देगा, ये वाला जो ट्वीट का बटन है ये इसको प्रेस कर देगा, ये इसने ट्वीट के बटन को क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुली जो है इसने ट्वीट जो है वो कर दिया, ये ट्वीट यहाँ पे शो हो गई है, मैं अपने उससे देख भी सकूँगा प्रोफाइल से। थैंक यू, थैंक यू बाबा।